बड़ा काम वाला करने हैं। की खाई थी बंदे वही बनाया है, कसम राम की खाई थी बंदे वही बनाया है। धारा 370 की आज जैसे हमने पहली वर्षगांठ मना रहे हैं, 370 हटाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, कसम राम की खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, ये केवल मात्र एक स्लोगन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी शुरू से इसके लिए लड़ाई लड़ती रही है और आज तकरीबन 492 वर्ष के लंबे इंतज़ार के बाद और 76 बड़ी युद्धें लड़ने के बाद, चाहे वो मुग़लों के साथ लड़ी चाहे वो फिरंगियों के साथ लड़ी, और 4 लाख से ज़्यादा कार सेवकों के बलिदाने के बाद, 4 लाख से ज़्यादा माओं की कोख उजड़ने के बाद और 25 पीढ़ियों के लंबे इंतज़ार के बाद, आज 5 अगस्त 2020 को अयोध्या के अंदर भगवान श्री प्रभु राम के मंदिर का जो शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, वो दीपावली के रूप में उल्लास के साथ हर जगह मनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी हिंदू बसता है और हिंदू समाज के अंदर विश्वास रखने वाला, सनातन के अंदर विश्वास रखने वाला व्यक्ति बसता है, आज उसके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। वो उसी के निमित्त आज हमने भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में दीपावली मनवाई है और मुझे लगता है कि सदियों तक ये दिन याद रखा जाएगा, ना सिर्फ 5 अगस्त 2019 बल्कि 5 अगस्त 2020। ये भारत के इतिहास के स्वर्णिम दिन बन चुके हैं। आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि दिवाली के साथ साथ हर वर्ष हम 5 अगस्त को भी मनाएं, ताकि जो प्रभु श्री राम का मंदिर वहां बन रहा है, उस मंदिर के निर्माण में जहां हम सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, जहां सनातन धर्म जुड़ा हुआ है, वहां सबकी प्रेरणा भी उसी मंदिर से मिले और एक राम राज्य की तरफ भारत जो अग्रसर हो रहा है उसको हम सच साबित करने में कामयाब हों।